सोहना विधानसभा के गांव किरणकी में 12 पाल और 52 गोत्र की जानिब से अखिल हरियाणा मेवात सलमानी चौधर की रस्म पगड़ी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अखिल हरियाणा और मेवात की जानिब से सलमानी समाज के लोग शामिल हुए। इस मौके पर हर पाल और गोत्र की तरफ से 36 बरादरी के चौधरी नूह विधायक जाकिर हुसैन समेत अध्यक्ष हसन मोहम्मद और हफीज अहमद को सभी पालों की तरफ से सर पर पगड़ी बांधकर मान सम्मान के साथ पदोन्नति की गई। हुसैन साहब को फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करते हुए और आज के 36 बरादरी के चौधरी पहली पगड़ी उन्हें बांधी जा रही है, आप जोरदार तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई करते रहे, तालियां बजाकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, क्योंकि जिंदा दिल वही लोग होते हैं जो जिंदगी के साथ जीना जानते हैं और जिंदगी को जीना भी और जिंदगी को सलीके से साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त इनायतुल्ला सिंगारिया हैं जो रस्म पगड़ीतुल्ला साहब, ये जो आज जो प्रोग्राम हो रहा है, ये रस्म पगड़ी किसको दी जा रही है और कितने वक्त के लिए दी जा रही है, क्या रिवायत है? हसन मोहम्मद किरण की के लिए दी जा रही है 5 साल की। इसके बारे में ये कहेंगे, ये क्वालिफाइड आदमी है और कौम को एक साथ लेकर चल सकता है। ये पूरी 22 और 17 गाँव पलवल फरीदाबाद की तरफ से बट गुजर और सिंगार एक तरफ से बांधी गई है और अलग अलग जो गोत के आदमी आए सब ने अपनी तरफ से मुखातिब किया गया। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बामनीखेड़ से 17 गांव के चौधरी हूँ और हम हसन का स्वागत करते हैं। जहां उनका पसीना गिर गया वहां खून बहाने तैयार हूँ, बट गुजर गोत्र है मेरा। गौरतलब है कि सलमानी समाज में चौधर की पगड़ी 5 साल के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपी जाती है। इस बार सलमानी बिरादरी की तरफ से प्रधान और उप प्रधान पद के लिए गांव किरणकी के सरपंच हसन मोहम्मद सलमानी को सैकड़ों जिम्मेदार लोगों की सहमति से अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए हफीज अहमद सिंगारिया बट गुजर को चुना गया। उसके बाद सभी पाल चौधरियों ने अपने अपने गोत्रपाल की तरफ से दस्तार बांधी। रौनक की महफिल भाई जनाब हसन मोहम्मद साहब की तरफ से और उनको भी उन्हीं की मौजूदगी में फूलपोशी हो रही है, मालाएं उनको पहनाई जा रही हैं, बुके भेंट किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये आपका अपना कार्यक्रम और स्पीच हमारे कुछ एक और चौधर के कुछ गांव ढोल बाजों के साथ डाइस की तरफ तशरीफ फरमा होते हुए उनका भी स्वागत। खैर मकदम, आप आ जाएं, मौसम करवटें बदल रहा है, ये सिंगार 22 के लोग प्लीज आप जल्द से जल्द डाइस की तरफ आ जाएं। दस्तार बंदी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है दोस्तों, पाकबंदी दस्तार बंदी। आप प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मेवात की 36 बिरादरी के चौधरी विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि मेवात की रस्म पगड़ी की रिवायत सदियों से प्रचलित है। मेवाती कौम ने हमेशा इस पगड़ी की परंपरा को मान और सम्मान का प्रतीक समझा है और हमेशा इसका लिहाज भी रखा है। सलमानी बिरादरी के चौधरी मोहतरम अजीज मेरे छोटे भाई हसन मोहम्मद साहब, बिरादरी के उप प्रधान नायब सदर भाई मोहतरम अजीज हफीज साहब, बहुत शानदार तरीके से इस फर्ज को अंजाम दे रहे हैं और आज बाकायदा जो उनकी दस्तार बंदी हुई है, चौधर की पगड़ी जो बंदी है, इसके लिए जहां मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत अपनी तरफ से पूरी मेवात की 36 बिरादरी की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। आप सबको भी मुबारकबाद देता हूं कि जो आप इस हमारी सदियों की हमारी पीढ़ियों की जो ये परंपरा है और जो हमारे समाज की बात है, जो आपने भी जो मुझे इज्जत दी है 36 बिरादरी की पगड़ी बांध के, इससे बड़ी पगड़ी की बात, चाहे पगड़ी की जो इज्जत है जो चौधर की पगड़ी की, चाहे मेरी हो, चाहे भाई हसन साहब की हो, चाहे भाई हफीज की हो, इससे बड़ी इज्जत हमें इस जिंदगी में नहीं मिल सकती। मैं सबसे
ज्यादा अपने गांव वासियों से और अपनी पूरी बिरादरी को, पूरी सलमान बिरादरी को और पूरे इलाके की 36 बिरादरी की चौधर को एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहें और एकता बनाए रखें और एकता से कौम का विकास होगा। हम कौम का विकास चाहते हैं, इसलिए हम बिरादरी से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और जुड़ करके एकता के लिए कोई अच्छा पैगाम पहुँचाए, अच्छा काम करें, हम भी इंशाल्लाह अच्छा काम करें। आज सलमानी बिरादरी ने जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो चौधर की पगड़ी जो भाई हसन मोहम्मद को बांधी है, इस मौके पे ना सिर्फ सलमानी बिरादरी के बल्कि इलाके के भी और बाहर दूर दूर के 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए। मैं इस मौके पर यही सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ये परंपरा, ये रिवाज निभाना जो आज बिरादरी ने निभाया है, ये हमें सीख देता है कि हमें बुजुर्गों की परंपरा पे चलना चाहिए, बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए और सभी 36 बिरादरी को मिलजुल के एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म के मजहब के लोगों को। इससे हमारे समाज में प्यार भी बढ़ता है और इससे हमारा समाज आगे बढ़ता है और जो हमारी पंचायती, जो बिरादराना, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें हम लोगों को संभालने का और ज़्यादा एहसास भी होता है। हफीज़ भाई आली हैं और आज हम उनसे जानना चाहेंगे। हफीज़ भाई, इंशाल्लाह मैं बिरादरी की तहदिल से खिदमत करूंगा। बिरादरी में जो विवाद हो रहे हैं और जो लड़कियों के मसले हैं या किसी का आपसी विवाद है या चौधरों का मसला है या समाज की जो और बुराइयां हैं उनके प्रति जागरूक और कौम को और उनकी पूरी भरपूर मदद करूँगा। और एक तरफ से मैं अपनी कौम के लिए जो मुझसे बन सकता हो पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर भी मैं अपनी कौम की खिदमत करूंगा उनकी, क्योंकि जो ये मेरी कौम है ये एक गरीब कौम है, एक पछड़ी हुई कौम है, तो इसमें मैं रहकर सरकार की मदद लेकर और अपने भाइयों की, अपने चौधरी साहिबानों की मदद लेकर मैं इसमें पूरा सहयोग करूंगा और तहदिल से मैं इस कौम का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस कौम ने मुझे इस लायक समझा। तालीमी हालत बहुत पसमानगी का शिकार है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह तालीम के लिए हमने अपनी कौम को जागरूक करने के लिए एक जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी और स्टेट लेवल की जो कमेटियां हैं इनको नियुक्त किया है और आगे भी इनमें जो कमियां हैं इन कमेटियों में इनको पूरा करके और भरपूर तरीके से तालीम पे जोर दिया जाएगा, तालीम के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और जागरूक करने के बाद इनकी जो एक पसमानगी है, जो गरीबी है, उसमें भी कहीं न कहीं किसी संस्था में इन्वॉल्व होकर इनकी मदद की जाएगी। इस खास मौके पर नवनियुक्त प्रधान हसन मोहम्मद और हफीज अहमद ने सलमानी बिरादरी में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अपना इरादा जाहिर किया और कहा कि हम हर तरह से समाज में जितनी भी समस्याएं हैं सबके लिए फिक्रमंद हैं, खास तौर पर दहेज प्रथा पर हम मजबूती से काम करेंगे। दोस्तों, मैं सभी सलमानी बिरादरियों का स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बचपन से चुनाव लड़े हैं और मैंने बचपन से समाज की सेवा की है। मैंने कॉलेज में इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे जीता, सरपंची पहली बार जीता, सरपंची दूसरी बार जीता। इंशाल्लाह मेरे अंदर ये कुवत अल्लाह ताला ने नवाजी है कि मैं सब लोगों की सेवा करने में मेरे को आनंद मिलता है। मैं पूरे सदर का, मैं पूरे समाज का, मैं पूरे देश का, मैं पूरे अपने स्टेट की सेवा करना चाहता हूँ और यही मेरी फितरत रही है। मैं चाहता हूँ मेरे सलमानी भाइयों के साथ साथ मेरी जितनी भी छोटी मोटी बिरादरी जो भी है मैं उन सबका विकास साथ साथ करता रहूँ। मेरे से जितना बनेगा मैं अपनी कौम के लिए करूँगा। मैंने अपनी कौम के लिए जो कुछ किया है वो सराहनीय है, आपने सब देखा है और आगे भी जो करूँगा इंशाल्लाह वो सराहनीय रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे कौम मेरा साथ देगी और मैं पूरे कौम के साथ हमेशा रहूँगा जुड़ के। तालीमी और सामाजिक जो पसमानदगी है उसका आपके पास क्या प्लान और मंसूबा है? मैं अपनी बिरादरी से, मेरी बिरादरी आज की तारीख में अच्छा खा कमाती है, अच्छा काम करती है और मैं बिरादरी से भी चंदा लेकर के और मैं अपनी तरफ से भी चंदा बिरादरी को चंदा दे करके मैं मोटे मोटे चंदे अपनी तरफ से कोशिश करूंगा पूरी बिरादरी को देने की ताकि मेरी बिरादरी की शिक्षा में और सामाजिकता में, अखंडता में, एकता में, सब में जान आए, ताकत बढ़े और मैं लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, बिरादरी मेरा साथ देती रहे। मैं बिरादरी के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आया हूँ और अच्छा ही पैगाम पहुँचेगा इंशाल्लाह, मेरी मेहनत होगा। एक आखिरी पैगाम कौम और इलाके को आप इस स्टेज से क्या देना चाहेंगे? मैं इस स्टेज से एक तो मैं एकता का पैगाम देना चाहूँगा, मैं सब भाइयों से जुड़ना चाहता हूँ, मैं सभी लोगों के साथ एक गंदे से गंदा मिलकर काम करना चाहता हूँ। मेरी जितनी सरकारें आए, कोई भी सरकार रहे राज्य में, मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। अपनी सलमानी बिरादरी को शिक्षा के रूप में मैं अच्छा देखना चाहता हूँ, मैं उनकी उच्च शिक्षा, उच्च विचार, अच्छा रहन सहन और खाने पीने का, उनकी साफ सफाई का,
और ज्यादातर आजकल जो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ अपनी कौम को कि हमारी ज्यादा से ज्यादा बेटियां पढ़े ताकि हमारे अंदर कुप्रथाएं दूर हो जाए और मैं शिक्षा की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। राजनीतिक नुमाइंदे यहाँ पहुँचे हैं, उनसे उनके आने का क्या उद्देश्य? जितने भी सियासी नुमाइंदे या MLA MP जितने भी यहाँ पे आए हैं वो मेरे दावतनामे को लेके आए हैं, मैंने उनको किसी पार्टी के लेवल से नहीं बुलाया जबकि मैंने एक दोस्ताना एकता के तौर पे यहाँ उनको बुलाया है। हमारी बिरादरी जो फैसला करेगी वो आखिरी फैसला होगा, हमारी बिरादरी मिलकर के कोई फैसला जो करेगी वो आखिरी फैसला होगा, जिस भी पार्टी के बारे में करेगी हम उसी के साथ रहेंगे इंशाल्लाह सभी। हम जमील अहमद जी, आप मैं सिंगार से हूँ, जो आज का प्रोग्राम है ये जितनी पाले हैं इनकी तरफ से चौधरी हसन मोहम्मद प्रधान चुना गया है और चौधरी हफीज सिंगारिया उसको प्रधान चुना गया है हरियाणा का। इसके बारे में ये है, दोनों एजुकेटेड आदमी हैं, MA और BA हैं और माली एतबार से बढ़िया हैं और कौम के हमदर्द भी। मैं तो यही कहूँगा कि जो ये मान सम्मान आज सरपंच साहब को दिया जा रहा है वो इस काबिल हैं, वो इस पोस्ट को डिजर्व भी करते हैं। प्रधान जी से तीनों स्टेट के सदर और 36 बिरादरी के चौधरी जनाब जाकिर हुसैन से चार मिसरे जरूर कहना चाहूंगा कि सर पे बांधी है जो दस्तार ना गिरने देना, सर पे बांधी है जो दस्तार ना गिरने देना, साफ गोई का तुम किरदार ना गिरने देना, साथ हम हर हाल में हम भी तुम्हारा देंगे असद, साथ हर हाल में हम भी तुम्हारा देंगे असद, हक परस्ती का तुम मयार ना गिरने देना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें जनाब आज के उप प्रधान और प्रधान मोहतरम जनाब हसन और हफीज साहब। हाँ जी सर, और यकीन दिलाता हूँ कि मेरे लायक चाहे जब भी कोई बिरादरी की कोई बात हो 24 घंटे में उसमें हाजिर हूँ, चाहे वो कोई ड्यूटी लगाएंगे चाहे आप कोई ड्यूटी लगाएंगे, जो भी आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह हमेशा सिर माथे पे होगा और हमेशा उस फर्ज को आगे बढ़ के निभाने की बात होगी। इस मौके पर 12 पाल और 52 गोत्र के गणमान्य लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चौधरी जमशेद, यूसुफ अख्तर, मास्टर जमील, चौधरी तैयब, चौधरी इन्ना, चौधरी शमीम दिल्ली, चौधरी शमीम गुड़गांव, मास्टर अताउल्ला, शमी पार्षद, हाजी मलिक, हाजी मोजी, हाजी राजुद्दीन, इलियास बसैया, इलियास सलमानी, इलियास पचगावा, इलियास सालहेडी, चौधरी रफीक, चौधरी जसमत, डॉक्टर सुभान सिंगार, खुर्शीद अहमद करण की, अरशद करण की, सन्नू करण की, सुबदीन करण की, जमशेद करण की, शहजाद करण की, इलियास करण की, कमल खां करण की और याकूब करण की। इसके अलावा भी सभी पाल और गोत्रों से चौधरियों ने हिस्सा लिया। रस्म पगड़ी प्रोग्राम के स्टेज संचालन की जिम्मेदारी से मास्टर अरशद नगीना ने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। मेवात टाइम्स के लिए साबिर कासमी की विशेष रिपोर्ट।